वो इस वक्त क्या कर रहे हैं या उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, किड्स, स्पाउस या लव इंटरेस्ट, जो आपके साथ इस वक्त में कनेक्टेड नहीं है, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अगर आपको नहीं पता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स चेक। ओह, वी हैव एट ऑफ माइकल। पहली चीज, ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, और ये जिस भी वजह से आपसे डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन ये आपसे डिस्कनेक्ट होकर कोई बहुत अधिक खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा था कि आपसे अलग हटके इनकी लाइफ में ये कुछ अच्छा पा लेंगे, बड़ा पा लेंगे, या फ्रीडम मिल गई है, मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। बट ये व्यक्ति ने आपके साथ रहते हुए इस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में कदम रख दिया है। ये व्यक्ति आपसे बचने के लिए या आपसे दूर जाने के लिए किसी भी हद तक इसने आपके साथ बुरा बर्ताव भी किया हो सकता है, या आपको डिच किया हो सकता है। बट इस वक्त में ये व्यक्ति जिस भी कंडीशन में, वो कोई बहुत बेहतर कंडीशन तो नहीं है। ये व्यक्ति यही सोच रहा है कि लाइक आसमान से गिरा खजूर पर अटका, उस तरह की इस व्यक्ति की फीलिंग्स है। अभी भी ये व्यक्ति की प्रॉब्लम्स, आपसे अलग होने के बावजूद इस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं हो गई है। इसकी लाइफ में बहुत इसकी लाइफ बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, और ये अपनी लाइफ में अगर आपसे अगर आपके आपके साथ इसको कोई प्रॉब्लम हो भी रही थी, जिसको अब इसको लगता है कि चलो ये प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अभी खत्म हुई नहीं है। हालांकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को करेजियसली फाइट करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप से अकेले से जूझ रहा है कि किसी तरीके से इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकूं। मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, बट स्टिल इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई बहुत अच्छा रास्ता अभी भी इस व्यक्ति के पास नहीं है। एक्चुअली इस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है ना, ये इसका अपना खुद का माइंडसेट है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसकी प्रॉब्लम का रीज़न, पहले जब आप उनकी लाइफ में होगे तो उनको लगता है आपकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर जब आप नहीं हो तब भी इस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। प्रॉब्लम इस व्यक्ति का अपना खुद का माइंडसेट है। ये व्यक्ति जब तक अपने आप को, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक कि ये व्यक्ति ओपन माइंडेड सोचने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक कि ये व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया सोचने के लिए और कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक इस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। यह व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग का भी शिकार है, बहुत अधिक सोचता है, मे भी बहुत तरह के रिलेशनशिप्स में फंसा हुआ है, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। इस वजह से भी ये व्यक्ति क्लियरली नहीं समझ पा रहा है कि इसको लाइफ में क्या करना चाहिए। ओवरऑल इस व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ है, जहाँ से बाहर निकलने का इसको फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आ